तो गाइस आ चुके हैं हम नेहरू प्लेस में मनोज भाई के पास इनका खाना टेस्ट करने के लिए। और जैसा कि हमने बहुत सुना है इनके खाने के बारे में कि इनके टेस्ट लाजवाब है, सभी जगह इनका खाना जाता है, दूर दूर से लोग अब इनके पास खाने आ रहे हैं, काफ़ी फेमस हो चुके हैं। तो आओ टेस्ट वगैरह करते देखते हैं। मनोज दही कहाँ है? हेलो, हाँ भैया ऊपर ही कूलर पे रख दिया था, ऊपर ही सब्जी में आलू मटर है और दाल है, दो दाल पैक कर रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ पहले इनका पैकिंग होगा। हाँ ये ले लो, इनको दे दो अचार ले लो। मक्खन लाया नहीं भाई आज, मक्खन नहीं लाया, मक्खन के लिए लोहे की बढ़िया है, स्टील की डिब्बी, स्टील की डिब्बी लाना होगा। अच्छा भैया हो सकता कल नहीं आऊँगा मैं, इसको उठाओ रोटी को, रोटी को उठाओ, इसके नीचे आपका अचार है, ये वाली थाल लगाना, इसमें सारी आइटम आ जाए। ठीक है अभी इनको भेज दूँगा आपसे पहले जो आए होंगे। सर सब्जी मैंने अपनी तरफ से डाल दी, वो भैया के आए ना जिसके वो बाल पकड़ता हूँ, बच्चों को भेज देना रोटी के लिए। सब्जी में क्या क्या है मनोज भाई आपके पास? जल्दीबाजी ना हो, आलू मटर की सूखी सब्जी है। अच्छा। और ये दाल है, और इसमें क्या है? किसमें? चावल, इसमें चावल है, पराठे। हाँ पराठे खाओ यार, पराठे वाला भाई तो ये चला गया, कल दिए इन्हें 1000 रुपए एडवांस। मनोज भाई एक यार चैलेंज करना है आपके यहाँ, दो तीन दिन में, अरे एक घंटे के लिए फ्री, शनिवार को करना, दो तीन दिन तो शनिवार हो जाएंगे, कल परसों मैं आऊँगा नहीं, कल नहीं आओगे? मैं आऊँगा नहीं, परसों भी जाओगे? नहीं परसों तो आऊँगा, आपका हो गया तो मैं पराठा दे जाऊँगा अगर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, क्या क्या देना है ये बता देना। दो रायता? नहीं नहीं कल पराठे वो लाना जो, हाँ वही मिलेंगे कल, कल मतलब कल से आपको वही मिलेंगे आपके लिए। ये क्या पहले से बुकिंग कर रहे हो? अरे ये भाई की पराठा ले ये लगा दो, लगा रहा हूँ भाई ये दो रायता, ये आलू मटर की सब्जी है, सर सब ये आलू मटर की सब्जी है सर। मनोज भाई ने इज्जत और लोगों को कमाया है, आदमी को बिगाड़ के नाले खड़े हैं, ये भाई खड़ा है रोजाला भैया ठोक दिया क्या? 3 आलू और सोया वो है, 4 5 रुक जा 6, अरे रुक जा चाचा रुक जा मैं काटता हूँ यहाँ। मनोज भाई से बात करते करते उन्हें अपने जान पहचान का एक आदमी मिल गया जिससे उन्होंने खूब बातें करी, तो आओ सुनते हैं उनके बीच में क्या बातें हुई। आपसे हमारे बाबूलाल का है मंती है, आगे राधे है, और इधर जो है नाई की दुकान पे, वो जो नाई की दुकान जिनकी है बाबू जी, निकाल लो यार ये लो, मैं गुरुद्वारे के पास लगा रहा हूँ, आप ही का लगा रहा हूँ गुरुद्वारे के पास में, क्या देना है यार तुम्हें। तो यहाँ पे रेंट पे हो कैसे हो आप? अपना है वो जो ओपी मास्टर जी वही है ना, वो तो आगे है ना ओपी मास्टर जी, 400 साल में तो इधर हो गया ना, नसीर की जो फैक्ट्री थी, नसीर की जो फैक्ट्री थी, अब तो उन्होंने कुछ और कर लिया, जिनकी ये दवाई की दुकान थी, और लड़का ब्लूड से चलता संजय कॉलोनी में दुकान है, खान साहब के पास में ही तो रहते हो? खान साहब के सामने ही रहता हूँ। हाँ तो वो उन्हीं वो मैडम थी जो, हाँ वो बूढ़ी बूढ़ी दो लोग थे, मियाँ बीवी, तो चार रोटी और आलू रोटी को खरीद, भाई साहब अभी रुक जाओ पैकिंग के लिए, आपको दे दूंगा चिंता मत, बात हुई तो दोबारा यार रुक जाओ पैकिंग के लिए, ये भाई खराब लोगों को ये लग रहा है खाना खत्म ना हो जाए। तो इसमें तो फ्लैट होगा आपका कि अपना जड़ से? जड़ से, जड़ से। मुलाकात नहीं हुई पहले, नहीं बताया आपने? इस टाइम प्रॉब्लम ही चल रही है, खान साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ किराए पे रहते हैं, आप मेरे भाई को भी जानते हो? तो हमने कुछ लोगों से रिव्यू लिया मनोज भाई के खाने का, उन्होंने काफ़ी तारीफ करी खाने की, तो आप सुनते हैं उन्होंने क्या बताया मनोज भाई के बारे में। ले ले थोड़ी सी नशा चढ़ जाएगा, वो बाबू जी खा रहे हैं देख ले, मजा आ रहा दाल में वैसे, ऐसी दाल ना हमारे गांव में ही होती है।
मसूर की दाल बोलते हैं इसको, पर गर्म होती है। नहीं इनका हाथ में टेस्ट है। इसको छोड़ दे। तो इनकी तारीफ बहुत सुनी थी ना ऑफिस में, इनका आगे देखते हैं। सो गाइज अभी टाइम है मनोज भाई के खाने का टेस्ट करने का। ये है खाना। तो गाइज मनोज भाई ने ये लगाया पराठा दाल। ये कौन सी सब्जी मनोज भाई? आलू मटर। आलू मटर अब टेस्ट करके देखते हैं। आपको अच्छी लगी ना ये दाल? हम तो बाहर का ले लो, हम तो बाहर साइड के हैं ही, हमें तो अच्छी लगेगी लगेगी। पर जो हाथ में चसते हैं ना, ये इनको बताओ। सही में बताओ, हाथ में बहुत चसते हैं दाल, खाना बहुत अच्छा है बगैर प्याज लहसुन के। ये तो लगता पड़ेगा कि घर पे बीवी के आपका खाना बंद करना पड़ेगा, यहीं से खाना पड़ेगा। पर वहाँ भी डांट पड़ेगी ना। तो गाइज ये अब हमारी प्लेट लग रही है, इसमें हमने सभी चीज़ें लगवाई हैं जो भी मनोज भाई के पास थी, रोटी चावल दाल सब्जी आलू की। इसका प्राइस लगभग 60 से 70 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है, नॉर्मल है। तो हम इस खाने का मज़ा लेते हैं, आप लीजिए वीडियो का मज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।